वो ये निर्णय था कि पराली के जलाने में जो मुकदमे उत्तर प्रदेश में पूर्व में दर्ज हो गए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार आज वाराणसी आना हुआ है, क्या कुछ उद्देश्य है सर? आज वाराणसी में किस तरह का आपका आगमन हुआ है, इसका क्या उद्देश्य है? आज वाराणसी ग्रामीण किसान मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठना हुआ है। विषय था कि उत्तर प्रदेश योगी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल उत्तर प्रदेश की सेवा में पूरे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने किसान सम्मेलन का कार्यक्रम लिया है लखनऊ में, हम सब आयोजित कर रहे हैं उसके तैयारियों के लिए 26 तारीख को जुटेंगे। सरकार ने किसानों को केंद्र में रख करके विकास के अनेकों काम किए, जहां उनको उनकी फसल का वाजिब दाम मिले उसके लिए MSP तय किया, उनके खेतों के जो यंत्र हैं उन पर सब्सिडी दिया है, बीजों पे सब्सिडी दिया है, खाद पे सब्सिडी दिया है, उनके खेत के उत्पादों को वास्तविक बाजार मूल्य प्राप्त हो इसके लिए MSP घोषित करके और बाजार उपलब्ध। गन्ना किसानों की बहुत समस्या आती थी, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गन्ना किसानों को भी मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया है और मेरा विश्वास है हमारा गन्ना किसान अपने गन्ने के उत्पादन को और बढ़ाएगा। जो चीनी मिले हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने बंद कर दिया था, योगी जी की सरकार ने उन चीनी मिलों को सुदृढ़ीकृत किया, उच्चीकृत किया, जो बंद हो गई थी उसकी जगह उन्होंने नई चीनी मिल लगाई जिसमें मुंडेरवा पिपराई, अब तो हमारी चीनी मिलें एथनॉल भी बना रही हैं, डिस्टिलरी भी चला रही है और कुछ चीनी मिले विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाई है। इन सब उद्देश्यों को लेकर के आज आपको निकासी में आना है। अगर MSP की बात की जाए तो प्रियंका गांधी ने कहा कि MSP तो बढ़ा है लेकिन गन्ना मूल्य अभी नहीं बढ़ा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए प्रियंका गांधी को क्या सुने, उनको गन्ने की फसल दे दे तो पहचान नहीं पाएंगे गन्ना क्या हो। गन्ने का मूल्य अभी भारत सरकार ने जो 5% बारे होता है उसको बढ़ाया, उत्तर प्रदेश सरकार गन्ना मूल्य बढ़ाने का संकल्प दोहरा चुकी है। हम बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे वो तारीख पर बताएंगे ना, 26 तारीख है वो मालूम। अगर सपा की बात की जाए तो सपा कह रही है कि 4 साल आप लोगों का पूरा हो चुका है, योगी सरकार का पूरा हो गया लेकिन अभी भी गड्ढा मुक्त और भ्रष्टाचार युक्त अभी BJP सरकार रही है। कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले तो अखिलेश यादव की सरकार के गड्ढों को पाटा, उत्तर प्रदेश के जो खजाने लूट लिए थे उस खजाने को सही किया, 11,000 करोड़ गन्ना किसानों का चीनी मिलों को बकाया था उसको पूरा किया। अब हमारे वर्तमान समय में किसी चीनी मिल पर गन्ने के जो किसान हैं उनका कोई बड़ा बकाया नहीं है, 86% गन्ने के बकाए का भुगतान हो चुका है। क्योंकि अखिलेश जी सरकार नहीं चला रहे थे, वो तो जैसे जन्मदिन के दिन कोई बाप बेटे को गिफ्ट वाउचर पकड़ा दे, उत्तर प्रदेश की जनता गिफ्ट वाउचर के रूप में उनको मिल गई थी, जितना हो सका वो उत्तर प्रदेश की जनता के भावनाओं से खेले थे, उत्तर प्रदेश की जनता की भावनाओं का मजाक उड़ाए थे, उत्तर प्रदेश की खेती किसानी उद्योग धंधों को बर्बाद किए थे, उनके कार्यकर्ता उनकी सरकार जमीन के धंधे में लिप्त हो गई थी। अब अखिलेश जी के उस विचारधारा के दिन लद गए, ना वो समाजवादी रह गए और ना ही उन्होंने कोई कल्याणकारी सरकारें चलाई थी, उनका पूरा एजेंडा परिवारवादी था और परिवारों के बीच क्या हो रहा है आप सबसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि अनुसूचित जाति जो है वो हम उनको बढ़ावा देते हैं, BJP सरकार उनको भ्रमित करती है। क्या क्या कहते हैं ओम प्रकाश राजभर जी, कौन सुना, वो तो महाराज सुहेलदेव को भूल गए, उनको उन गरीब परिवारों का ध्यान नहीं है। जब उनको अवसर मिला था
तो पहला टिकट अपने बेटे का मांगा था, परिवार से ऊपर ओम प्रकाश राजभर जी उठ नहीं पाए और अभी भी अपने परिवार के परिधि में ही वो परेशान। किसानों की आय दुगनी होने की बात बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में की थी, क्या लगता है कि किसानों की आय दुगनी हो? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि 10-10 किसानों। देखिए किसान, आप जरा 2014 के एमएसपी और 2020 के एमएसपी दोनों के, इस समय धान का जो एमएसपी मूल्य तय हुआ वो 1940 रुपये तय, तिलहन दलहन सबकी एमएसपी तय। किसान के लिए बाजार बनाना है जो अपनी फसल का उचित दाम पाए। अब अखिलेश जी तो मुझे नहीं लगता कि कभी खेत की मेड़ में देखे, उनका विलासतापूर्ण जीवन रहा है। सरकार में आए तो सैफई में ही उन्होंने मनोरंजन में ही रातें काट दिया, अब वो पुनरावृत्ति कर रहे हैं या ये कहिए कि पूर्वाभ्यास कर रहे हैं, वो अखिलेश जी जाते हैं। डीजल की बढ़ती कीमतों ने कहने किसान को परेशान किया, डीजल की बढ़ती कीमतों ने नहीं, नहीं किसान को डीजल की बढ़ती कीमतें उतनी चिंता का विषय नहीं बनी। आप जरा 2014 का जो हमारे देश में पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण और कभी कभी पूर्व की सरकारों की गलतियों का भी खामियाजा, आज परिस्थिति किसान के पक्ष में है और किसान अपने विकास को लेकर चिंतित है। उनको सरकार की योजना कैसे उन तक पहुंचे, किसान उसके लिए लालायित है और सरकार भी उसी के लिए प्रयासरत है कि हमारा किसान आत्मनिर्भर बने। और जो एक हमारा सपना था पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय का उत्थान, नरेंद्र मोदी ने अंत्योदय के आज से आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ाकर 26 तारीख को आप लोग निकाल रहे हैं, इसमें 2022 के चुनाव को लेकर कितना फायदा मिलेगा? देखिए किसान के समृद्धि का कार्यक्रम और 2022 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत नहीं अपार बहुमत के साथ बनेगी। किसान आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आगे भी किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ। ठीक